नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करूंगी बाजरे के डोडे की रेसिपी, यानी बाजरे के पराठे की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है, ये बाजरे का आटा लिया है, ये करीबन मैंने 1 कप आटा लिया है, हरा धनिया लेंगे हम बारीक कटा हुआ, हरी लहसुन बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये देसी घी लिया है मैंने। थोड़ा सा पानी लेंगे हम, इसके लिए हम हल्का कोसा पानी लेंगे। तो बाजरे के आटे में हम सारी चीज़ें डाल लेंगे, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च, एक बारी मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाल देंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालकर इसका हम नरम आटा गूंथ लेंगे। तो मैंने ये आटा गूंथ के तैयार कर लिया है, ये देखिए। रोटी पकाने से पहले हम तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जैसे हम डोसे के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ले ली है, थोड़ी बड़ी लोई लेंगे इसके लिए हम, और थोड़ा देसी घी लगाएंगे तवे के ऊपर। हाथों को पानी से गीला करेंगे और तवे पे लोई को रख के हल्के हाथ से फैला लेंगे। थोड़ा और पानी लगा लेंगे और चारों तरफ से इसको अच्छे से फैला लेंगे। पहले गैस को लो हीट पर रखेंगे। इस तरीके से फैला लेंगे इसको। रोटी के साइडों में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे या देसी घी डाल देंगे और हल्के हाथ से साइडों से छुड़ा लेंगे इसको। एक तरफ से पकने के बाद इसको हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। गैस को मीडियम हीट पर रखेंगे और फिर से साइडों में हम देसी घी डाल लेंगे या फिर ऑयल डाल लेंगे। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्प और करारा हो गया है। तो तैयार है हमारा बाजरे का डोडा, या फिर आप कह सकते हैं बाजरे का पराठा। इसे हम दही के साथ या फिर लहसुन और लाल मिर्च की चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।